हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि क्या ये कनेक्शन आपका आपके पर्सन के साथ ख़त्म हो चुका है या फिर चांसेस है कि रिवाइव हो जाए, चाहे ब्रेकअप में है, चाहे इश्यूज चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद एंडिंग की तरफ कनेक्शन बढ़ रहा है, और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपका रिवाइवल होगा कनेक्शन का, आपका प्रॉपर तरह से पैचअप होगा पर्सन के साथ जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा जैसा आप डिज़ायर करते हो, ऐसा होगा या नहीं होगा वो जानेंगे हम रीडिंग में। और इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन जो है वो बेटर हो जाएगा, क्या आप लोगों का सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या आपका कनेक्शन का रिवाइवल होगा, क्या चीज़ें सब कुछ बेहतर हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ कप्स। अच्छा, एक चीज़ बहुत श्योर है यहाँ पर कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि चीज़ें कंट्रोल कर सको। आप शायद इस एनर्जी के अंदर रहते हुए आप काफ़ी कुछ ऐसा करोगे या कर जाओगे जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक करके रखने की ज़रूरत है। इट्स स्मॉल लाइक कि शायद आप नहीं चाहते कि कनेक्शन ख़त्म हो, तो आप अपने एंड से हर कोशिश करोगे कि कनेक्शन बच सके। लेकिन उस बचाने की सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ले जाओगे। यू नो, यू गोना सेटल इन फॉर वेरी लेस इस इंसान के साथ। सो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कि आपकी सेट बाउंड्रीज क्या हैं, आप किस लेवल तक जा सकते हो इस इंसान को के साथ अपना पैचअप करने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टॉक्सिक कनेक्शन में है, जहाँ पर पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता और बात भी आपसे शायद ज़्यादा नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये अंडरस्टैंड करने की राइट नाउ कि क्या ये वर्थ है कि आप इस कनेक्शन में इस तरह से हो जाओ, क्या ये वर्थ है कि आप इस कनेक्शन को लेकर इस तरह से ऑब्सेस हो जाओ कि चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि आप अपने आप को इस लेवल पर लेकर जा रहे हो जहाँ पर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, तो अगला पर्सन आपको वैल्यू कभी नहीं करेगा। सो यू नीड टू थिंक, शायद जो आपको डिसीजंस लेने हो वो टफ होंगे, लेकिन उन डिसीजंस लेने के बाद ही सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ सकती है। आप पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप खुद को कंट्रोल करोगे, एक्शंस और सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है ताकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ सके। अगर आप ये सारा कुछ कर जाओ जो मैंने कहा, तो चांसेस हैं कि आपका कनेक्शन रिवाइव हो जाए, आपको वो वर्थ वैल्यू जो आप डिज़ायर करते हैं इस इंसान के साथ इसकी ज़िंदगी में, जहाँ पे ये आपको प्रायोरिटाइज़ करे, जहाँ पे ये आपको वैल्यू करे, जहाँ पे ये आपको रिस्पेक्ट दे, और जहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर म्यूचुअली इन्वेस्ट हो, तो वो चांसेस बन सकते हैं। लेकिन फॉर दैट टू हैपन, आपको पहले तो अपना अपने आप के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेटल इन फॉर लेस कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, स्टिल यू आर बींग विद दिस पर्सन। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन रिवाइव हो, तो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस करो पर्सन से, लेट दिस पर्सन फील आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी वैल्यू। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी आपको लगता है कि आप डिस्टेंस हो, तो मुझे लगता है कि यू नीड टू थिंक द राइट थॉट्स। आपका आपका जो सोचने का तरीका है, दैट नीड्स टू चेंज। अगर आप ऑलरेडी डिस्टेंस हो पर्सन से, तो आप काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें सोच रहे हो जो कि शायद आप जो चाह रहे हो उसके अगेंस्ट है। जैसे वो सोचना जो कि जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ या जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली का इन्फ्लुएंस, दिस एंड दैट, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। आप वो एफर्मेशंस करो या वो
थॉट्स सोचो जो आप डिज़ायर करते हो, ताकि आपका फोकस उन चीज़ों पर रहे जो आप चाहते हो. क्योंकि राइट ना, आपका फोकस उन चीज़ों पर है कि किस वजह से चीज़ें ख़राब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेगेटिव थॉट प्रोसेस जिससे आपकी चीज़ें और ख़राब होगी. और अगर आप अपने थॉट्स को फिक्स कर सको और अपने माइंड में से जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर सको अराउंड द सिचुएशन, अराउंड द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, तो मुझे लगता है कि चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं. बट उसके लिए आपको अपने आप को कम्प्लीटली फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम द वे यू आर लिविंग योर लाइफ राइट नाउ. यू नो, आपका नया सेट ऑफ यू नो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका नया पैटर्न होना चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक एक यू नो एक एक रीबूट करो अपनी लाइफ को राइट नाउ. जब आप अपना रीबूट करोगे अपनी लाइफ का, जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को पेडेस्टल पर रख रहे हो, अपने आप को यू नो यू आर शोइंग लव एंड केयर टू योर सेल्फ, तो अदर पर्सन विल डू दैट टू. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गिवन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो लो लेवल पर अपने आप को लेकर आ रहे हो, लो लेवल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने आप को इस लेवल पर इसलिए लेकर आए हो क्योंकि आप उसे प्यार करते हो. लेकिन यू हैव टू हैव दैट सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम. जब आप इतनी सेल्फ इस्टीम अपनी खो दोगे तो आपके लिए यू नो पर्सन आपको वैल्यू करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए वो सिचुएशन आना मुश्किल हो जाएगा. सो यू नीड टू नो योर वर्थ. और हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा गिवन कर दिया हुआ कनेक्शन में कि आपका पर्सन आपको फुल ग्रांटेड लेता है, तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ बेटर हो सकती है. इवन अगर आपका यू नो राइट नाउ सम इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे. पर्सन स्लोली बट श्योरली ओपन अप भी करने लगेगा. लेकिन ये चेंज अगर आप नहीं लेकर आते हो, अगर आप ऐसे ही रहते हो जैसे हो और यही फियर, यही डाउट, यही यू नो ऑब्सेशन कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, पर्सन प्यार करेगा या नहीं करेगा, पर्सन फिर से वापस आएगा या नहीं आएगा, जब तक दिस डजन एंड तो सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती. सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको, जहाँ पे आपने अपने आप को डिटैच करना है इस इंसान से, आपकी एक्सपेक्टेशन से, और आपको अपने ऊपर काम करना है. सबसे ज़्यादा ईजी चीज़ें तब हो जाएंगी जब आपका फोकस सारा खुद के ऊपर आ जाएगा. ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब बहुत कम मीनिंगफुल रह जाएगा, तब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन वैसे आएगा जैसे आप चाहते हो. राइट नाउ यू आर रनिंग आफ्टर दैट आइडिया या चेज कर रहे हो उस ड्रीम को जो कि आपकी है, लेकिन आप वो फील नहीं कर पा रहे हो कि आपको कैसा अच्छा लगेगा अगर आपका पर्सन आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे आप चाहते हो. सो वो फील लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फील को लाने में आपका खुद को वैसा प्यार करना, वैसा चाहना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वट वेयर यू आर डूइंग द मिस्टेक. सो मुझे लगता है कि चांसेस हैं अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन इम्प्रूव हो जाए. बट अगर आप नहीं कर पाते तो इम्पॉसिबल है कि चीज़ें बदलें, बल्कि आपका ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ेगा, आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस दिन ब दिन बढ़ेगी. सो विच नीड्स टू स्टॉप. और आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करने लग जाओगे कि मेरे में कोई कमी होगी या मेरे में ही कोई ऐसा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से पर्सन ने कमिट नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है. सो यू जस्ट नो नीड टू नो वन थिंग कि आपके अंदर सिर्फ ये आपने गलती की कि आपने एक रॉन्ग पर्सन को इतना ज़्यादा यू नो आप एक रॉन्ग पर्सन को जब ओवर फीड कर रहे हो अपने प्यार से, सो वो आपको यू नो वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा. अगर आप राइट पर्सन को आप यू नो प्यार करोगे तो वो आपकी आपकी यू नो रिलेशनशिप को वैल्यू करेगा, आपके प्यार को, आपके टाइम को वैल्यू करेगा. राइट नाउ आप जिस इंसान के साथ हो वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा. अब वो राइट है या रॉन्ग वो तो टाइम यू नो उस चीज़ को वो करेगा, लेकिन करंटली जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली रॉन्ग हो चुकी है आपके इस पर्सन के साथ. अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन राइट पर्सन बन जाए, सो उसके लिए आप अपने आप को डिटैच करके देखो, ये पर्सन खुद आएगा. और अगर आता है तो दैट्स द राइट पर्सन फॉर यू, एंड अगर नहीं आता तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो आपका आइडिया अबाउट योर सेल्फ और अबाउट योर फ्यूचर लव लाइफ वो काफ़ी हद तक बदलेगा, और उसके बाद आप अपने ज़िंदगी के राइट डिसीजंस ले सकोगे. वंस यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, आपके लिए बहुत ईजी होता है किसी से भी डिटैच करना जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा. सो कुछ लोगों में हो, क्योंकि इट्स अ जनरल रीड, तो हो सकता है कि कुछ लोगों में ये पर्सन ऐसा ही हो, ये पर्सन आपको ये एक नए पाथ में ले जाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया हो. और हो सकता है कि जैसे ही आप ये लर्निंग कर जाओ और आप खुद इससे अपने आप को दूर कर जाओ, बजाय इसके कि ये पर्सन आपको खुद से दूर करे, और फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो towards the one that is going to value you the way you want. So just look you know and look within and figure out the things jo aapko fix karni hai, और देन आपकी लव लाइफ बदल सकती है. लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको, ताकि जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ वो पॉसिबल हो सके, और क्या चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप जो चाहते हो अपने पर्सन के साथ वो पॉसिबल हो सके. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. अगैन कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करो,
एंड देन सरेंडर टू द डिवाइन. सो बेसिकली आपको ये दो चीज़ें करने की ज़रूरत है. जैसे ही आप ये कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ विद योर पर्सन विल चेंज और आप जो चाहते हो वो आपको ईजिली मिल सकेगा. फिलहाल मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस इस इंसान से हट के खुद के ऊपर हो. आपके अपने कुछ पर्सनल गोल्स होने चाहिए, आपके अपने पर्सनल कुछ यू नो अचीवमेंट्स होने चाहिए जो आपको लगे कि मुझे ये अचीव करना है, या आपके गोल्स होने चाहिए उन अचीवमेंट्स को लेकर. सो मुझे लगता है कि वो अगर आप अपना फोकस सारा इस इंसान से हटा के रिलेशनशिप से या लव लाइफ से हटा कर अपने ऊपर जब ले आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेगी. सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर, बाय.